नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे ड्रॉपकैप करते हैं उसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। ड्रॉपकैप का यूज़ आप न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन में देख सकते हो। तो ये बेसिकली हम कैसे करेंगे, इसका पूरा स्टेप अभी हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ पैराग्राफ लेके रखा है ऑलरेडी, इसके ऊपर बेस करके अभी हम ड्रॉपकैप करेंगे। पहले हम पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा जस्टिफाई करेंगे होम टैब से, और यहाँ पे देखें पैराग्राफ ग्रुप में जस्टिफाई अलाइनमेंट ऑप्शन है, जहाँ पे हम क्लिक करके इसको थोड़ा जस्टिफाई करेंगे। ये पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के साथ साथ आपका जो पैराग्राफ है दोनों साइड से, मतलब लेफ्ट और राइट साइड से इक्वल हो जाएगा। अभी हम इसमें ड्रॉपकैप यूज़ करेंगे। तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। ठीक है, ये पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हमने, सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में क्लिक किए और एकदम राइट साइड में टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा ड्रॉपकैप ऑप्शन। ठीक है, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर ये देखिए ड्रॉपकैप। जस्ट हम लोगों को यहाँ पर ड्रॉपकैप में क्लिक करना होगा। ड्रॉपकैप जो कि टेक्स्ट ग्रुप के अंदर है, क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, नन, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। यहाँ से आप दोनों ये जो स्टाइल है, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन, इनमें से कोई भी एक को आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। मैंने एक में क्लिक किया ड्रॉप में, ये देखिए। तो ये देखिए ड्रॉपकैप अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ का जो फर्स्ट थ्री लाइन है उनको यूज़ करके यहाँ पे जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था ओ, वो ड्रॉप्ड हुआ है। तो यहाँ से हम और भी स्टाइल में, मतलब कि ये लाइन अगर हम बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ से आप इन मार्जिन भी कर सकते हो, या फिर कोई भी स्टाइल आपको जो पसंद हो आप क्लिक कर सकते हो। हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे देखिए थ्री लाइंस में है, थ्री लाइन, वन टू एंड थ्री। तो इसको अगर हम थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं लाइन को, तो हम करेंगे ड्रॉपकैप ऑप्शन में क्लिक। यहाँ से ड्रॉपकैप ऑप्शन में क्लिक करेंगे। करने के साथ साथ यहाँ पे देखिए एक विंडो ओपन हो गया, जहाँ से देखिए ड्रॉप्ड ऑलरेडी सिलेक्टेड हो। आप चाहो तो इन मार्जिन भी कर सकते हो, हम ड्रॉप्ड को यूज़ करके काम करेंगे। यहाँ पे देखिए लाइन टू ड्रॉप, इसमें आप लाइन सेट कर सकते हो कितना आपको मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम आप यहाँ पे 10 सिलेक्ट कर सकते हो और मिनिमम यहाँ पे आप 1 दे सकते हो, लेकिन 1 में हम नहीं देंगे, हम यहाँ पे 5 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 किया। आप चाहते हो तो लाइन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी कर सकते हो, ज़्यादा या फिर कम भी कर सकते हो। अभी अपन सिंपली ओके में क्लिक करेंगे। करने के साथ साथ देखिए यहाँ पे जो पहला वाला जो अक्षर है वो 5 लाइन यूज़ करके ड्रॉप्ड हो गया। आप अगर चाहते हो तो ड्रॉपकैप में लाइन को ज़्यादा या कम भी कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो ये प्रोसेस यूज़ करके आप ड्रॉपकैप यूज़ कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ कीप योर सपोर्ट।